जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को एनएक्सी भवन के सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ईद, रमजान, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी व पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है और सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से मांगा गया, जिस पर सभी वर्ग के लोगों ने आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाएगा और लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं उसको नोट कर लिया गया है। त्योहार से पहले वहां पर साफ सफाई कर दी जाएगी, जिससे कि शांतिपूर्वक त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें शासन के द्वारा जारी निर्देशों को लोगों को बताया गया। इसके साथ ही अन्य विभाग की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले संभ्रांत व्यक्तियों से सुझाव भी मांगा गया तथा उनके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग से अनिवार्य रूप से आयोजित करने एवं अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। जनपद में त्योहारों के दौरान उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक व अफवाह पोस्ट करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, भानु प्रकाश मिश्रा, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी, समाज सेवी आदिल अमीन, शिव राष्ट्र सेना के प्रमुख रितेश आल्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आज की इस मीटिंग में अवतार जैसा कि आप सभी अवगत है, या मीटिंग आगामी जो महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं और उसके बाद अक्षय तृतीया, ईद का भी महत्वपूर्ण त्यौहार है, धन्यवाद। और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के कुशल संचालन के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों सम्मान मिला है। जिलाधिकारी महोदय को बहुत बधाई देता हूँ। और इस सभा में एसएसपी श्री विपिन टांडा जी, जिनके पिता है, उसके बाद अभी हम लोगों ने नवरात्र मनाया है, रामनवमी मनाई है, रमजान मनाई है और कुशल संचालन में गोरखपुर की जगह है, उसके लिए गोरखपुर की आम जनता और पुलिस प्रशासन और यहाँ की शासन प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ हमारे सामने जो लोग उपस्थित हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय पी के मल साहब हैं, ऋषि मोहन वर्मा जी हैं और कई लोग, गणमान्य लोग आए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आयोजन इसी शांति और सद्भाव में लेकर है और यही हमारी गोरखपुर की पहचान है और माननीय मुख्यमंत्री की भी यही मंशा है। धन्यवाद मित्रों, आगे का संचालन जिलाधिकारी महोदय के हिसाब से होगा। क्योंकि आगामी त्योहार सामने है और हम सभी लोगों को मिलजुल के उस त्योहार को मनाना है, तो जो भी ये लोग चाहें करना चाहूंगा
और आगामी त्योहारों के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको और पूरे शहर के सभी आप लोगों की आत्मीयता और जो विश्वास हमको निरंतर उत्साहित करती रहती है पूरी टीम को करती रहती है। अभी आपके साथ विभिन्न आयोजन विभिन्न प्रबंधन विभिन्न चुनौतियों का साथ हम लोगों ने जो समय बिताया है मेरे द्वारा कप्तान साहब हम दोनों अभी भी नए हैं 8 महीने ही मेरे को हुआ है और हमारी पूरी टीम को जो आप लोगों ने सहयोग दिया है चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो पर्व में हो या विभिन्न जुलूस आयोजनों में हो उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसीलिए हमें ये एहसास होता है जिम्मेदारी की 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहे 24 घंटे काम करें और जो सपना हम देख रहे हैं शासन के निर्देशों के क्रम में गोरखपुर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करके आप एक उदाहरण तस्वीर बनाने पूरे देश के और इसी ओर अग्रसर हो रहा है हमारा जनपद हमारा शहर जैसे आप देख रहे हैं विकास के नए आयाम को प्राप्त कर रहा है। अभी शहर में गोरदलिया नाले की सफाई हो रही है जिससे 60-70% हमारी जल निकासी उसी नाले के माध्यम से हो रहा है उसको अभी सफाई हो रही है उसके बाद उसकी उसका सुदृढ़ीकरण और उसको स्थायी रूप से पक्का निर्माण करने का काम हो रहा है। उसमें विभिन्न उपलब्धियां अवस्थापना सृजित यूटिलिटीज को सृजित करने के लिए भी हम लोगों ने कवायद उठाई है और शासन द्वारा उसमें हमें गाइड करके उसको करवाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जल निकासी की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने सम्मानित पार्षदों के नगर निगम के सहयोग से ये कार्य पूर्ण किया जा रहा है उनकी निगरानी भी हो रहा है ये बहुत उपलब्धि हो रही है। सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण जो हो रहा है चाहे वो जेल बाईपास रोड हो नौसर पेंडेगंज रोड हो चाहे वो अगरवा का जो पुल बन रहा है जो नखा में पुल बन रहा है जो अभी महाराजगंज रोड देवरिया रोड पे सड़क का काम लगभग अभी 2-3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। इन सब में जो सहयोग मिल रहा है जन सामान्य के प्रतिभागिता जो मिल रही है बढ़ चढ़कर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं और ये दर्शाता है कि गोरखपुर के आम नागरिक क्या सोचता है क्या सपना दिखता है और साथ साथ अपने शहर को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आगामी त्योहारों में जो यहाँ की तहजीब है यहाँ की परंपरा है कि सभी समुदाय सभी साथ मिलकर भाईचारे के साथ सद्भाव के साथ सभी आयोजनों को संयुक्त रूप से उसको निभाते हैं उसको आयोजन कराते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की परंपराओं में गर्व महसूस करते हैं। इसी परंपराओं को आप बरकरार रखेंगे आगे बढ़ाएंगे और व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाएंगे इसी कामना के साथ मैं आपको आग्रह करूंगा। मैं विशेष रूप से नगर निगम की टीम से अपेक्षा करूंगा जहाँ अलविदा की नमाज हो या अभी अगले ईद के त्यौहार हो रमजान सभी में जहाँ जहाँ आयोजन होने वाले हैं जो सूची अभी हमारे सभी थानों से एकत्रित हुई है वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था सड़कों में अवस्थापनाओं की व्यवस्था या लाइटिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ कर दें किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है अभी कि शहर में हम सभी एक बड़ी निविदा को आमंत्रित किए हैं जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन पूरे शहर का होने वाला है और हमारे आप सोचिए सुबह सुबह आप में से सभी लोग अपने शहर को सबसे स्वच्छ शहर देखना चाहते ही नहीं जाते कितने लोग देखना चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ नगर निगम या प्रशासन इसमें मुहिम छेड़ेगा तो काफी नहीं होगा सबको मिलजुल कर इसमें हमारे शहर को नंबर 1 अग्रणी जनपद के रूप में लेके आना है शहर को लेकर आना है। ईद की नमाज वहाँ होती है पिछले साल सर बहरामपुर ईदगाह पर जो है नमाज के बीच से कुत्ते दौड़ गए। खैर वहाँ हम लोग पहले से नमाज कहीं और पढ़ के उसके लगे हुए थे किसी तरह का वहाँ अफवाह और भगदड़ नहीं होने दिए और वहाँ रास्ता जैसे 25 फीट का है सर रोड उस 25 फीट को अतिक्रमण कर इस समय 10 फीट का रोड है कब्रिस्तान से लगा हुआ और ईदगाह गेट तक टोटल दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है। दोनों तरफ गुंडियां और अपने दुकानें और लकड़ी के मार्केट लगा कर वहाँ एकदम रोड को जाम कर दिए एक गाड़ी ठीक से नहीं निकल पाती है सर और नमाज वहाँ लगभग 40 से 50 हजार आदमी नमाज पढ़ते हैं एक साथ
रोज आमना इंटर कॉलेज से लेकर और बाले मियां का मैदान तक रोड एकदम क्षतिग्रस्त है और गड्ढा एकदम मतलब समझ लीजिए 1.5-2 फीट गड्ढे हैं। कभी भी बड़े हादसे वहां हो सकते हैं। मैं होली में भी उस रोड को बताया था सर, लेकिन उस पर गिट्टी भी डालकर बराबर तक नहीं हुआ है अभी तक। आज हम लोग यहाँ सद्भाव किस तरह बने आगामी जो त्योहार हम लोग के सामने है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि उनकी जो समस्याएं हैं चाहे आवारा पशु की या नाली की या सड़क की, वो बाद में उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं या अपने अधिकारियों को लिखित रूप से देके उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। आज हमें विचार ये करना है कि किस तरह से आगामी जो हम लोग के सामने त्यौहार है उसे शांतिपूर्वक किस तरह से किया जाए। अभी हमसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा, मुतुजा भाई ने भी कहा कि फ्लैग मार्च की जरूरत है जिससे डरे सहमे लोग हैं उनके अंदर से डर निकल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि गोरखपुर में कोई डरा हुआ है या कोई सहमा हुआ है इस तरह का। फ्लैग मार्च जरूरी है और ये पिछले मैं लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हूँ तो मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि हर त्यौहार में फ्लैग मार्च होता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, फ्लैग मार्च तो होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि गोरखपुर में इस समय किसी के अंदर डर का माहौल है। तो मेरा पहले सबसे सुझाव यह है, अपने आप को हम उनको सुधारने की जरूरत है। हम अपने लोगों के बीच में से ये चिन्हित करें कि कौन लोग ऐसे असामाजिक हैं जो माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उन्हें चिन्हित करके यदि हम प्रशासन को बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। कि मैं दो शब्द कहूँगा, यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य नागरिकगण, डीएम साहब, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ एलआईओ साहब, मेरे साथी पुलिसगण, मीडिया बंधु, मैं बहुत 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 मैं और डीएम साहब दोनों बहुत आभारी हैं कि आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में सभी मौजूद लोग शहर के कोने कोने से विभिन्न संगठनों से आप यहाँ से मेरी तरफ से आप हमारी तरफ से जब देखेंगे तो बड़ा अच्छा नजारा नजर आ रहा है। हर रंग हर वर्ग के लोग यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो वाकई में लग रहा है कि आज जो मीटिंग में गोरखपुर जनपद के लोग आए हैं तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी लोग आए। मैं और डीएम साहब दोनों आभारी हैं क्योंकि पिछली मीटिंग में हमने तय किया था कि अगली मीटिंग जो भी होगी उसमें सभी लोगों को बुलवाया जाए और विशेष अनुग्रह करके बुलवाया जाए। आप समय निकाल के आए, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। यहाँ जिनको बोलने का मौका मिला अच्छी बात है, आप बोले अपने मन की बात। जिनको नहीं मिला वो भी मान के चले, आपकी मौजूदगी मात्र से इस मीटिंग का लेवल बढ़ गया है। जैसे गांधी जी अगर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में भी चलते थे तो फर्स्ट क्लास के बराबर होता था। तो ये मीटिंग में आप आकर बैठे, आप आकर बैठे, इसी से हमारा हौसला बढ़ गया, हमारी ताकत जो है वो दुगनी चौगुनी हो गई, हमारा काम करने का जज्बा जो है वो दुगना तिगुना हो गया है। हम बहुत आभारी हैं आपके। कुछ मुझे खुशी हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, समस्याएं रखी, सुझाव दिए हैं, तो उन कुछ बिंदुओं पर मैं भी कुछ अपने मत प्रकट करना चाहूंगा। एक तो चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी बात हो, ये बात होली पर भी हुई थी, ईद पर भी होगी, आगे आने वाले जितने त्योहार हैं हर त्योहार पर होगी, जो प्रशासन की तरफ से नियम तय होंगे सारी कार्यवाही उसी के अनुरूप होगी। आप कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, सभी नियम समान है सबके लिए, जो निर्देश आएंगे जैसा पूरे प्रदेश में होगा वैसी व्यवस्था यहाँ पर होगी, कोई किसी के लिए अलग नहीं, तुच्छ भी नहीं होगा, जो समान है वो सब समान है, कानून की नजरों में सब एक जैसे है। दूसरा, कोई किसी बात को लेकर अगर अफवाह फैलाता है तो कृपया आप हमसे स्पष्टीकरण लें। मैं और डीएम साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ जो मौजूद है आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध है। आपको कोई समस्या होती है, कोई सुझाव है आपका, कोई आपको संशय है, आप हमको फोन करें, हमसे मिले, हमसे बताएं, हम हर समस्या का उपाय समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष रूप से दो लोगों को मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगा। एक अभिनव जी है हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जो काफी एक्टिव है, सिटी की पूरी कानून व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट साहब प्रशासन की ओर से देखते हैं। और दूसरे हमारे सीओ एलआईओ है अभिषेक राहुल जी, जो उस तरफ है और ये एलआईओ का हमारी पूरी व्यवस्था देखते हैं। यदि कहीं आपको कोई सूचना देनी हो, कोई समस्या आती है, आप कृपया से संपर्क करें मुझे और डीएम साहब को, एडीएम साहब को, सभी बात जानते हैं, तो किसी से भी कोई भी बात पूछे। कोई भी बयान, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है
पहला तो गैर जिम्मेदारी पूर्वक कोई देना, लेकिन प्रभु ने सबको समझदार बनाया है, सब लोग मुंह से खाना खाते हैं, कोई भी काम से खाना नहीं खाता। कोई पैदा हुआ है, किसी ने किसी बच्चे को समझाया कि मेरा काम से दूध नहीं पीना है, मुंह से पीना है, सबको पता है। तो भगवान ने सबको समझ दी है, सबको पता है क्या करना है। जो बयान देता भी है उसको भी पता है कि मैं क्यों बयान देता हूँ। कोई फेसबुक पे पोस्ट करता भी है तो उसको पता है कि मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ। हर व्यक्ति समझदार है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, वो नहीं ले पाता तो परिवार ले, परिवार नहीं ले पाता तो समाज ले, और समाज भी नहीं ले पाएगा तो फिर पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेगी और पुलिस ईद, रमज़ान, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, इन त्योहारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज बैठक की गई, शांति सद्भावना की बैठक की गई और सभी से सहयोग मांगा गया। सभी ने आश्वस्त किया कि यहां पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। जितनी भी समस्याएँ या आयोजनों के लिए सफाई और अवस्थापनाओं के बारे में बताई गई है उसको सूचीबद्ध कर लिया गया, उसको मिशन मोड पे आप काम करा के पूरा किया जाएगा। भव्य आयोजनें होंगी और अच्छी व्यवस्था के साथ, शांति व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा जन सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। हमने अनुरोध किया कि अगर कोई असामाजिक तत्व इसमें सक्रिय काम करता है तो आप उनकी सूचना दे दीजिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप लिखे तो आज रमज़ान, ईद और परशुराम जयंती के संबंध में मेरे और डीएम साहब के द्वारा शहर के संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग की गई, जिसमें कि त्यौहार में किस प्रकार त्यौहार मनाना है, क्या दिशा निर्देश हैं, फोर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, अन्य विभागों की क्या तैयारी है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया और सभी त्यौहार पूर्ण सकुशलता के साथ, शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करवाए जाएंगे, ये सभी को बताया गया और सबके विचार विमर्श लिए गए।